उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद से जहां उत्तराखंड में अलर्ट जारी है, उत्तराखंड का हल्द्वानी पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां छावनी में तब्दील है, वहां पैरामेडिकल फोर्स पड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में भी DGP के द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं और अलर्ट और सतर्कता बरतने के आदेश हैं। हम इस वक्त लखनऊ के टीले वाली मस्जिद के पास हैं, जुमे की नमाज चल रही है और इससे पहले ही उत्तर प्रदेश की पुलिस सतर्क है और इसी सतर्कता के साथ ये मुस्तैदी देखी जा रही है। लगातार जिसे जो अनुमान लगाया जा रहा था पुलिस प्रशासन को, पहले से ये अंदाजा था कि हो सकता है कि कुछ ऐसा हो, इससे पहले सारी चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस जो है लखनऊ के टीले वाली मस्जिद पर यहाँ तैनात है। तमाम अधिकारियों ने आदेशित किया था कि ऐसी जगह जहाँ पर कुछ ऐसी संभावना हो कि अशांति फैले, तो इससे पहले ही उत्तर प्रदेश की पुलिस सतर्क है और उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके के सतर्कता देखी जा सकती है। पूरे UP में अलर्ट है, साथ ही साथ उत्तराखंड से जुड़े हुए तमाम जो सीमावर्ती ज़िले हैं, फिर चाहे उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, या फिर रामपुर की बात करें, या पीलीभीत की बात करें, सभी जगह बैरिकेटिंग लगा करके सीमा पर सर्चिंग की जा रही है, वाहन चेकिंग की जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पूरा हल्द्वानी अभी छावनी में तब्दील है, वहाँ छावनी में तब्दील होने के साथ साथ उन उपद्रवियों की तलाश की जा रही है, उनको चिन्हित किया जा रहा है और उसके बाद और आगे की कार्रवाई देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी उत्तराखंड के हल्द्वानी में हाई अलर्ट जारी है, सुरक्षा व्यवस्था देखिए वहाँ पर सतर्क बरती जा रही है, सतर्कता के साथ ही साथ वहाँ पूरा फोर्स जो है लगा हुआ है, पैरामेडिकल फोर्स वहाँ पर तैनात है, पूरा हल्द्वानी शहर जो है छावनी में तब्दील है। कैमरामैन लकी सिंह के साथ सत्येंद्र शर्मा, लाइव इंडिया न्यूज़, लखनऊ।